आपने नेहरू जी के बारे में ये व्हाट्सएप पे कई बार देखा होगा कि नेहरू जी ने खुद बोला है कि शिक्षा में वो अंग्रेज हैं, संस्कृति में मुसलमान हैं और जन्म से वो हिंदू है। पहले तो ये फेक खबर है, दूसरी बात ये है कि अफवाह आखिर उड़ी तो उड़ी कैसे। देखो, सबसे पहले इस अफवाह उड़ाने वाले का नाम था डॉक्टर नारायण भास्कर खरे। वो 1926 में नागपुर से प्रकाशित मराठी अखबार जिसका नाम तरुण भारत के संस्थापक थे, संपादक थे। उन्होंने 1916 में अपनी राजनीति की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से की और 1983 तक इसके सदस्य रहे। वॉइसरॉय की कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में भी उन्होंने कार्य किया था। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुए और फिर 1935 के अधिनियम के बाद जब 1937 में ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के लिए चुनाव हुए थे तो वे मध्य प्रांत, जिसको आज अब मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं, और बरार के वो मुख्यमंत्री हुए थे। तब इनके मंत्रिमंडल में द्वारका प्रसाद मिश्र और रविशंकर शुक्ल भी हुआ करते थे। रवि शुक्ल ये द्वारका प्रसाद मिश्र और डीएस मेहता को बर्खास्त करने के कारण कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने एनबी खरे के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दी थी। अब देखिए, आप याद होगा तो आपको जुलाई 1938 में पार्टी से बाहर कर दिया गया था, तो राज्य के मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल को बना दिया गया। इससे खार खाए बैठे खरे ने महात्मा गांधी और सरदार पटेल पर टू माई कंट्री मैन माई डिफेंस शीर्षक से पार्टी से बाहर करने का आरोप लगाते हुए एक पैम्फलेट को लिख दिया था। इसके बाद होता क्या है कि डॉक्टर नारायण भास्कर खरे ने हिंदुत्ववादी ताकतें से संपर्क किया और अलवर राज्य के प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिए गए। फिर संविधान सभा में भी अलवर प्रतिनिधि के रूप में शामिल किए गए। महात्मा गांधी की हत्या के बाद खरे को नाथुराम गोडसे और नारायण आप्टे के साथ साजिश का हिस्सा होने के संदेह में दिल्ली में नजरबंद कर दिया था, लेकिन सबूतों के अभाव में उनको छोड़ दिया गया। उन्हें फरवरी 1948 में संविधान सभा और अलवर राज्य के प्रधानमंत्री के पद से भी बर्खास्त कर दिया था। अब इसके बाद होता क्या है दोस्तों कि एनबी खरे 15 अगस्त 1949 को हिंदू महासभा में शामिल हुए और 1949 से लेकर के 1951 तक इसके अध्यक्ष और 1954 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के उपाध्यक्ष रहे। इसी दौरान नारायण भास्कर खरे 1952 में लोकसभा के पहले चुनाव में दक्षिण पंथियों की रियासतों के वो प्रमुख रहे। ग्वालियर से निर्वाचित भी हुए। नेहरू के बारे में भारत और विदेश की कई प्रतिष्ठित राजनीतिक हस्तियों की टिप्पणीकार का संकलन कर रफीक जकारिया द्वारा 1959 में प्रकाशित पुस्तक ए स्टडी ऑफ नेहरू में एक योगदानकर्ता एनबी खरे भी रहे थे। इस पुस्तक की पृष्ठ संख्या 215 पर द एंग्री एरिस्टोक्रेट शीर्षक से खरे का एक लेख आपको मिल जाएगा। नेहरू पर एक आलोचना भी वो करते हैं। इसमें उन्होंने दावा किया था कि नेहरू ने अपनी आत्मकथा में साफ तौर पर कहा है कि नेहरू शिक्षा से अंग्रेज, संस्कृति से मुस्लिम और जन्म से दुर्घटनावश हिंदू हैं, जो कि अपने आप में गलत है, लेकिन आज यह कथन सोशल मीडिया और तमाम वेबसाइट्स पर मौजूद है, जो गूगल करने पर आपको दिखाई दे जाएगा। खबर फेक है, ये मैंने आपको बताया। अब ये फेक क्यों बनी और क्यों फैलाई गई, इसके पीछे का भी कारण मैंने आपको समझाया। देखो, नेहरू की वैश्विक स्तर पर समादृत राजनीतिक विचारधारा और उनकी विरासत दक्षिण पंथी संगठनों तथा सोशल मीडिया नेटवर्क के एक प्रकार का मानसिक अभिशाप है। इसीलिए आप देखते हैं कि नेहरू की तमाम बातों के साथ साथ उनकी वंशावली, सुभाष चंद्र बोस व सरदार पटेल से उनके संबंध, उनकी शिक्षा नीति, आरएसएस के साथ उनके समीकरण आदि इत्यादि परंतु किंतु वाली बातें आपको सोशल मीडिया पर दिखाई देती है। एक अफवाहों को उड़ाया जाता है। अब देखिए, 10 सेकंड के इंस्टाग्राम रील्स देखने वाले 250 पन्ने की किताब नहीं पढ़ सकते हैं, तो इसमें आप लोग ट्रैप हो जाते हैं। नेहरू अपनी मृत्यु के 5 दशक से भी अधिक समय बाद आज तक आमजन के बीच में एक चर्चित व्यक्तित्व बने हुए हैं, तो दक्षिण पंथियों के लिए ये कह सकते हैं कई सारे लोग के ईर्ष्या का एक केंद्र बन चुका है। तो कुल मिलाकर के पूरी कहानी आपको समझ में आ गई। ये खबर फेक है, ये तो मैंने आपको बताया, लेकिन ये फेक खबर के पीछे प्लांट करने की मंशा क्या बनी और क्या इसके पीछे इतिहास था, वो भी मैंने आपको समझा दिया। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करेंगे तो शायद लोग इससे अवगत भी होंगे। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।